यूरिया। यूरिया इज़ द फॉर्म इन विच मेजॉरिटी ऑफ अस प्रोवाइड नाइट्रोजन टू आवर प्लांट्स। नाइट्रोजन जो है वो सबसे कॉमन तौर पे जो हम पौधों में डालते हैं वो ये फॉर्म है यूरिया का। आप ये देख रहे हैं ये किस प्रकार से ये साबूदाना से भी छोटे दाने हैं। तो नाइट्रोजन जो है यूरिया के अंदर 46% होता है और ये बहुत ही जल्दी प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो दिस इज़ द मेन रीज़न दैट सिंस इट गेट्स एब्जॉर्ब वेरी फास्ट देन एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन यूरिया इज़ प्रिफर्ड मोस्ट। तो ये आप देख रहे हैं ये जो दानेदार है ये यूरिया है। और आमतौर पे जब ग्रीनरी हमें प्लांट्स में चाहिए होती है तो हम नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करते हैं और यूरिया चूँकि फास्ट एब्जॉर्ब हो जाता है इसीलिए इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। यूरिया के अलावा आप ऐड करेंगे DAP, ये जब आप मिट्टी का तैयार कर रहे हैं उसमें हल्के से 3 से 4 दाने आप एक गमले में यूज कर सकते हैं मिट्टी तैयार करते वक्त। तो ये DAP जो है फॉस्फोरस तत्व है जो कि पौधे को बहुत अच्छा हेल्प करता है, फॉस्फोरस को हेल्प करता है। ये दूसरा एक और चीज़ है पोटेशियम। कोई भी आपका फ्लावरिंग ट्री है, कोई फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें आप पोटेशियम जब आप ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू मेरिट ऑफ पोटाश, तो इससे जो है आपके यील्ड जो है वो बहुत अच्छी इंप्रूव आती है और आपके फ्लावर्स भी जो है बड़े साइज के आएंगे सुंदर आएंगे, फ्रूट्स आपके बड़े रहेंगे सुंदर आएंगे। थैंक यू।